इसका डेड बॉडी ले जाओ तुम, बोला। तो पर्स देखा मैंने, मेरा पर्स उसने, बोला इज नो मोर। मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं तो मर गया, मुझे कहाँ से मालूम होगा, लेकिन मुझे सपना आ रहा था वो टाइम में। तो उसमें देखा कि भाई मुझे कोई चार आदमी ले गए और कब्र में डांट रहे मुझे। तो मैं बोला भाई मुझे, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे क्यों डांट रहे हो कब्र में? कब्र तो नहीं होती, मुसलमान की होती है ना। तो बोला तुमने वो कलमा की वेटी पहनी है, वाइट कपड़ा पहनते थे, कलमा की वेटी, उसको आप। प्रदीप भाई, आप भारतीय सिक्कों में पिछले करीबन 40 से ज़्यादा सालों से कार्यरत हैं। इसमें आपने बहुत सारी नई डिस्कवरीज भी की हैं, बहुत सारे नए सिक्के भी लाए हैं, बहुत घूमे हैं आप। तो हमारे कॉइनस्टार्स के सब्सक्राइबर्स जानना चाहेंगे कि आप सिक्कों की दुनिया में किस तरह आए और आपने इसमें किस तरह से शुरुआत की। प्रदीप भाई, एक्चुअली मैं बाय एक्सीडेंटल लाइन में आ गया। मेरा एक कजिन ब्रदर था, वो मेरे घर पे आया कॉइन लेने के लिए। मेरे फादर कॉइन कलेक्शन करते, जनरल कॉइन कलेक्शन, फॉरेन के और सब जो इंडिया के भी थोड़े होते। तो बोला, वो अहमदाबाद से आया था मेरे घर पे, तो बोला मैं ले जाऊँ। तो मैंने देखा तो उसका मिसिंग लिस्ट ज़्यादा था, मेरे पास ज़्यादा सिक्के थे। तो मैं बोला एक काम नहीं, मैं ही कलेक्शन चालू कर दूँ, खाली ऐसे ही बोला मैंने। मुझे भी मालूम नहीं है लाइन इतनी डीप है क्या है, ऐसे ही बोल दिया मैंने। तो मेरा जो कजिन ब्रदर था उसने बोला कि भाई तुम्हारा बस का बात नहीं है, रॉयल हॉबी है ये, बहुत पैसा चाहिए इसमें। मेरे फादर डॉक्टर है, मेरी मम्मी नर्स है, मेरा ब्रदर इंजीनियर है, तो सब अफोर्ड कर सकते पैसा। तुम्हारी तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो मेरी मम्मी ने वो टाइम सीधा सपोर्ट करने के लिए बोली, मैं बैठी हूँ ना उसके लिए। उसको भी मालूम नहीं था वो टाइम क्या होने वाला है, लेकिन उसने बूस्ट कर दिया मुझे बोल के। तो फिर कॉइन नहीं दिया मम्मी ने, नहीं मेरा लड़का कर रहा है तो उसको ही दूंगी। तो फिर मेरे मासी का जो कजिन ब्रदर था वो बोला, कोई चिंता नहीं, तो मैं तेरे लिए कॉइन लाऊंगा नया नया। तो पहला कॉइन मेरे लिए वो लेके आया, सुरक्षा 20 पैसा। तो लेके आया तो मैं तो गांव का आदमी हूँ, तो बोला 20 पैसे का 10 रुपया दो। वो टाइम में 10 रुपया रेट था उसका। तो बोला 20 पैसे का 10 रुपया इतना ज़्यादा होता है? बोला एक काम करो, तुम मेरे लिए लाओ, 7-8 रुपया तक तो मैं ले लूँगा। तो फिर मैंने सब गांव में घूम के वो 20 पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया। मुझे मालूम था 10 रुपये में तो वो लेने वाला है, तो 5-6 रुपया तक मैं लेने लगा वो टाइम में। तो एक महीने के बाद आया वो मेरे घर पे, बोला मुझे मालूम है ऐसे तुम शर्माओ मत, नहीं मिला तुमको एक भी सिक्का, तो मैं सीधा डब्बा खाली कर दिया उसके सामने, 100 सिक्का इकट्ठा करके दिखा दिया। बोला ले लो अभी तुम 10 रुपये में, तो वो भी एकदम शौक हो गया। बोला सर एक एक सिक्के का वादा है, सीधा 100 सिक्का लाया। फिर वो निकल गया। फिर मेरी मम्मी को कोई साधु महाराज ने बोला 39 का रुपया लाओ, तो वो भी एक रीज़न था मुझे बूस्ट मिला ये लाइन में आने के लिए, क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट था। तो वो टाइम में मैं 20-21 साल का था, तो 39 का रुपया तो फॉर्जरी भी आता होगा वो टाइम में, लेकिन वो टाइम में फर्स्ट जो कॉइन लाया मैं वो 39 का था, जेन्युइन कॉइन। उसके बाद तो 4-5 कॉइन लाया मैं 39 का जेन्युइन। तो मेरा जो घर का ऑर्नामेंट है वो बेच के मैं वो सिक्का लिया था मैंने दिवाली के टाइम में, सोना वो टाइम 2000 रुपया तोला था, वो टाइम में मैंने वो सिक्का लिया, 2000 में लिया था पहला सिक्का है। और देखे मैंने वो जो चैलेंज थी मेरी वो फुलफिल कर दिया मैंने, क्योंकि 39 का ओरिजिनल रुपया लाना मुश्किल था वो टाइम में, फॉर्जरी की बात नहीं करता हूँ मैं। तो मम्मी को भी अच्छा लगा, उसका काम हो गया। तो फिर वो मुझे लोन उठा उठा के मुझे पैसा देने लगी, लेकिन उसका भी लिमिट आ गया एक बार। तो फिर मैंने क्या किया, वो जो डबल कॉइन था वो बेच के फिर कलेक्शन के लिए वो चालू किया, लेकिन वो भी एक साल में वो भी मेरा, मैं भी समझ गया कि मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर मैं डीलर बन गया। तो डीलर बनने में क्या था, वो सिक्के मुझे पढ़ना नहीं आता था वो टाइम में, तो क्षत्रप सिक्का देखा मैंने, एक पी एल गुप्ता की बुक आई थी मेरे पास, तो उसमें देखा कि एक क्षत्रप का सिक्का है 2000 साल पुराना है। तो एक एक सिक्के का 1,00,000 रुपया मिलेगा, मैं ऐसा समझ रहा था, इतना पुराना है, 2000 साल एंटिक नहीं होती जैसे, तो सिक्के में तो कितना आएगा, मुगल टाइम है। तो मम्मी ने पैसा दिया मुझे, थोड़ा गांव में से बोरो करके मेरे लिए इकट्ठा किया, इंटरेस्ट पर पैसा ला के मुझे दिया। तो फिर मैं वो सिक्का इकट्ठा करके फिर दिल्ली में जनपद म्यूजियम है उसका एडवर्टाइज आया कि हम कॉइन खरीदते हैं, परचेस कमेटी है म्यूजियम की। तो उसके लिए मैं निकल गया दिल्ली के लिए।
तो मैं बोला वहाँ से तो पैसा लाखों रुपये मेरे पास आने वाले हैं, तो आने का पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली पहुँच गया कुछ भी करके मैं, और गर्म कपड़े भी नहीं था वो टाइम मेरे पास। फिर मैं वहाँ गया, जो म्यूजियम वो सत्रप सिक्के थे उसके ऊपर मदार था मेरा, तो गोगा जैन मुझे मिल गया 82 में, 82 की बात कर रहा हूँ, ये मैं 82 फरवरी की, अब ठंड भी बहुत थी दिल्ली में वो टाइम में, आदि हाफ स्लीव का शर्ट था मेरा वो टाइम में। तो गोगा ने देखा कि ये क्या कर रहा है, मैं बोला, तो उसके पास भी सत्रप सिक्के थे, तो मैं चमक गया, मैं बोला सर इसका सिक्का इतना है तो मेरा कौन लेगा लाख रुपये में। तो गोगा ने सोचा है क्यों देख रहा है, बोला ले लो 100 रुपया। फिर सोच में पड़ गया मैं कहाँ लाख रुपया कहाँ 100 रुपया। फिर भी उसने मुझे ऐसा देखा तो बोला ठीक है 60 रुपया दे दे, 40 रुपया दे दे। तो मैं एकदम डिसमेंट हो गया भाई, इसका 40 रुपये में तो ले तो सकता नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, कवर कर लूँ मैं। फिर मुझे मालूम पड़ गया ये सिक्का मेरा बिकने वाला नहीं है, जो लाखों की मैं उम्मीद लेके गया था सत्रप सिक्का। फिर मुझे अंदर बुलाया परचेस कमेटी ने, तो मैं 39 का रुपया था मेरे पास एक खाली अच्छा सिक्के में, तो दूसरे में पर्शियन उर्दू तो मैं पढ़ नहीं सकता था, और सत्रप तो दिखाने की हिम्मत भी नहीं हुई मेरी, क्योंकि वो टाइम में ब्राह्मी पढ़ नहीं सकता था। तो 39 का देखा, बोला हम तो हिस्टोरिकल कॉइन है जो इम्पोर्टेंट है वही कॉइन लेते हैं। तो मुझे 5 मिनट में भगा दिया वहाँ से। अभी रिटर्न आने का भी तकलीफ है, मेरे पास एक पैसा नहीं है दिल्ली से आने का, और विदाउट भी नहीं आ सकते हम, मतलब इतना जोखिम है मेरे पास। कुछ भी करके मैं आगरा मथुरा होके आबू रोड तक आया, फिर वो सत्रप सिक्के मैंने मार्केट में बेचा। मतलब आज लाखों रुपए का सिक्का बेचने में जितनी स्पीच नहीं लगाई हुई, इतनी स्पीच वो सत्रप सिक्का 10 रुपये में बेचने में लगाई थी मेरी लाइफ के। और वो भी बोला उसको ये सिक्का मैं वापस ले जाऊँगा, बोला सब ऐसा ही बोलता है कोई आता नहीं है। कुछ भी करके 10 रुपये में उसको दे दिया वो सिक्का सत्रप के, कहाँ लाख रुपया कहाँ 10 रुपया। फिर कुछ भी करके मैं मेहसाना उतर गया, मेहसाना रहता था मैं वो टाइम में। फिर जो मेरा सिंधी था जो स्टेशन पर बैठता था उसके पास सिक्का लेता था, उसको पूरे तांबे के सिक्के दे दिए मैंने, और जो थोड़ा पैसा बना मेरा। यहाँ गांव में तो सब मेरी राह देख रहे थे लोग, भाई ये बहन मम्मी मेरी थी वो नर्स थी गाँव में, तो भाई बहन का लड़का आएगा लाखों रुपया लेके आएगा वहाँ से, सबको उम्मीद रहती थी ना वहाँ, ऐसा मालूम नहीं। यहाँ तो मेरी हालत वो थी कि किराए का भी पैसा नहीं है मेरे पास। फिर वहाँ जाके मैंने 500 की गड्डी ले लिया, तो थोड़ी मिठाई ले लिया, दिल्ली से क्या लायक कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना मुझे, तो रेपर हटा दिया उसका। फिर मम्मी को बोला मैं भाई अभी तो थोड़े रेट नहीं दे रहे हमारे सिक्के का, कम दे रहे तो बेचा नहीं, ले पैसा रख दो 500 रुपया, मतलब बड्डी। वो टाइम पैसे की कीमत बहुत थी, लेकिन जो लाखों रुपये की उम्मीद थी वो नहीं हुआ कुछ का। फिर मेरा 7 साल स्ट्रगल चालू रहा सिक्के में, 81 to 88 तक, मतलब मैं 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था मुझे, और पानी भी फ्री में मिलता है, और व्हीकल तो होता ही नहीं मेरे पास, एक जगह से दूसरी जगह बाय वॉकिंग जाना पड़ता है मुझे, तो चलने की प्रैक्टिस हो गई वो टाइम, और विदाउट फूड मैं रह सकता था वो मुझे हो गया। क्योंकि मेरे मम्मी को एक बार मेरी कंप्लेन किया मैंने, भाई ऐसा ऐसा तकलीफ़ है, मैं तो बोला तुम मैं तीन मेरे 4 बच्चे हैं, 3 को संभालेगी, 13 को संभालेगी, मुझे तुम कंप्लेन मत करो, तुम कहाँ करे लेके उस पर डूब के मर जाओ, और क्या कर सकते तुम्हारे लिए इतना जितना होता, क्योंकि लोन भी भरना पड़ता है ना उसको, 3 लड़के उसका भी खर्चा करना पड़ता है। तो भी कंप्लेन भी गई नहीं, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। तो 7 साल तक मैंने स्ट्रगल किया वो इस सिक्के में। फिर 88 में हम उदयपुर गए, मैं और शत्रुघ्न, वहाँ उदयपुर में सिक्के लिए हमने। फिर शत्रुघ्न ने बोला तुम मेरे घर पर आ जाओ, रुको अभी रात को तू कहाँ जाएगा, तो मैं बोला नहीं मेहसाणा जाना है दूसरे दिन, तो मैं पारड़ी में ठहर गया, पारड़ी से बस मिलती है मेहसाणा के लिए, और मम्मी को पैसा भी देना था, फिर गुड न्यूज़ मैं दूँ उसको 5000 रुपया दे दूँ, तो 5000 भी था मेरे पास और थोड़े सिक्के भी थे हमारे पार्टनर पे। लेकिन वो रात को कोई मैनेजर ने, होटल के मैनेजर ने क्लोरोफॉर्म सुखा दिया मुझे, और पूरा माल मेरा चोरी हो गया, तो 0 पर आ गया मैं 88 में। 7 साल स्ट्रगल करने के बाद भी जो पैसा बनाया मैंने 1 साल में वो भी पूरा गया, और मेरी जान बच गई वो टाइम, तो फिर 0 से आया। फिर मम्मी को बोला ऐसा ऐसा, मेरी मम्मी ने बोला कोई चिंता मत कर दो, फिर से कमाएंगे, कोई चिंता नहीं है बोला। और फिर सब तो एक्चुअली हमारा चेस टूर्नामेंट था 90 के साल की बात है, 90 अक्टूबर के। तो मेरे दोस्तों बोला चलो मैं हर साल चेस टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ वो टाइम में, मतलब 10 साल तक मैं साउथ इंडिया घुमाऊँ पूरा गाँव खेड़े में सब जगह,
मेरा प्रोग्राम क्या रहता है, एक महीना वो प्रोग्राम रहता है दिवाली के टाइम में, तो 10 दिन का चेस टूर्नामेंट रहता है, फिर जो 10 दिन रहता है उसमें घूमता हूँ मैं। और वो टाइम में रूबल का रेट 30 रुपया था, तो वहाँ क्या है जो महाबलीपुरम कांचीपुरम वहाँ सब रशियन टूरिस्ट आते हैं, तो उनसे हम वो रूबल ले लेते हैं 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपये में, 10 रुपये में ला के 30 रुपये में बेचते थे अहमदाबाद में। वो टाइम में एक्चुअली वर्ल्ड मार्केट में रूबल का वैल्यू 30 पैसा भी नहीं था, लेकिन वो 30 रुपया चार्ज करते थे हमारे से। और उनका वहाँ क्या कम्युनिस्ट थे वो लोग, तो पैसा भी जमा कराएंगे कुछ मिलने वाला नहीं उनको, तो जो भी मिला उनको तो मतलब प्रॉफिट ही है, तो जो रूबल बेच के हम हमारा खर्चा निकाल देते थे। तो मैं बोला भाई ये बार तो मुझे आना नहीं है, मेरा तबीयत थोड़ा बराबर नहीं है, तो बोला तुम चिंता क्यों करते हो, हम बैठे सब साथ में फैमिली है, उसकी फैमिली भी थी, मेरे दोस्त का वो हनीमून करना था उसको, तो बोला हनीमून भी हो जाएगा, टिकट तो 75% डिस्काउंट मिलता है चेस स्पर्श कोटा में हमको, चेस प्लेयर है इसके लिए, तो चेस का टिकट और टिकट तो हो गया आने जाने का हमारा, और बाकी का पैसा तो मैं निकाला, वहाँ खाना पीना रहना भी फ्री होता है हमारा, टिकट भी फ्री हो गया, तो भी 2-5 हज़ार रुपया ले लिया मैंने ज़्यादा। वो टाइम ऐसा हवाला आंकड़े फाकड़े कुछ मुझे मालूम नहीं था, मतलब होगा भी नहीं वो टाइम में इतना, अभी जो इतना इजी है मनी ट्रांसफरिंग, वो टाइम इतना नहीं था इजी, 90 के साल की बात है। फिर हम गए, वही जो मैंने मुझे जो चिंता हो गई वही बात हो गई मेरे से, एकदम मेरा बढ़ गया, बुखार था फीवर आ गया मुझे, और वो जो बामली थी मेरी बगल की वो ऐसे एकदम पक गई मेरी, तो जो लोकल डॉक्टर था वो ऊँट वाइज बोलते हैं ऐसा ऊँट वाइज जैसा ऐसे सिरिंज से खींचा उसने मेरा, तो क्या हुआ पूरे शरीर में पस जैसा हो गया मेरा, एकदम बुखार चालू हो गया मुझे, मतलब 10-12 दिन तक तो मैं हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा। फिर डॉक्टर ने बोला भाई ये 1-2 घंटे का मेहमान है, रात को बोला मुझे वो मेरे दोस्तों को, इसका डेड बॉडी ले जाओ तुम, बोला तो पल्स देखा मेरे, मेरा पल्स उसने बोला ही इज़ नो मोर। मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं तो मर गया, मुझे कहाँ से मालूम होगा, लेकिन मुझे सपना आ रहा था वो टाइम में, तो उसमें देखा कि भाई मुझे कोई 4 आदमी ले गए और कब्र में डांट रहे मुझे, तो मैं बोला भाई मुझे, मैं तो ब्राह्मण हूँ मुझे क्यों डांट रहे हो कब्र में, कब्र तो नहीं होती मुसलमान की होती है ना, तो बोला तुमने वो कलमा की वीटी पहनी है, वाइट कपड़ा पहनते थे कलमा की वीटी, उसको अपवित्र किया कलमा को तुमने, तो तुमको कब्र में डांटेंगे और सुन्नत कराना पड़ेगा तुमको। मैंने ब्राह्मणों के सुनना थोड़ी कराऊंगा, जीत पर आ गया मैं। फिर क्या हुआ तो एकदम वापस आ गया मैं, तो डॉक्टर बोला भाई मेरी तो जजमेंट गलत नहीं होता है, लेकिन ये भले जिंदा रहा लेकिन ज़्यादा नहीं खींचेगा, बोला तुम उसका डेढ़ बड़ी हो सकता है तो अहमदाबाद ले जाओ, बोला हो सकता है बीच में ही, क्योंकि वो टाइम में जर्नी भी बहुत लंबी थी कोयम्बतूर की 48 आवर्स की थी, तो वहाँ तक तो खींचेगा नहीं, पैसा भी नहीं हमारे पास कुछ, ये लोग ले जा रहे थे स्टेशन में मुझे, और रिजर्वेशन भी नहीं है, तो ट्रेन के डब्बे के आगे नहीं वो लेट्रिन के आगे नहीं वो होता है वो रिजर्वेशन तो है नहीं हमारे पास, ऐसे बिठा दिया था मुझे। तो एक सरदार जी किसी को रखने आया था उसके रिलेटिव को, तो उससे देखा ये आदमी तो मर जाएगा, बोले उसके शरीर में कुछ है नहीं, क्योंकि 10-12 दिन तो खाना खाया कुछ खाया नहीं था मैं, वो बीमारी ऐसी थी मुझे खाना देख के ऐसा एलर्जी हो जाता था मुझे, पानी भी नहीं पीता था मैं, बोले आदमी तो अहमदाबाद का ये तो बीच में मर जाएगा, बोला तो बोले यहाँ तो कुछ अच्छी, उनको ऐसे ही बोलना पड़ेगा पैसा नहीं है हमारे पास वो नहीं वो नहीं, बोले भाई यहाँ तो कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, बोला कौन बोलता है हमारे यहाँ कोयम्बतूर में नहीं, चलो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। अब ये लोग क्या बोलेंगे भाई हमारा खर्चा कौन निकालेगा, बोला ठीक है अभी ले जाते ले जाने दो। फिर वो गाड़ी जो थी उस गाड़ी में बिठा दिया मुझे, ले गया जो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल थी कोयम्बतूर की, उसमें मुझे एडमिट कर दिया उसने, उसका प्रेम भी था ऐसा सब, तो खाने पीने लगा और ट्रीटमेंट भी बेस्ट होने लगी मेरी, और जो मेरा फैमिली था उनका भी व्यवस्था कर दिया सरदार जी ने लंगर में खाने पीने का, हमें एकदम क्योर हो गया हमें। लेकिन वो मर जाने के बाद जो छोटा बच्चा पैदा होता है जन्म से, ऐसा हो गया था मेरे साथ, मतलब एकदम मेरी जो विज़न एकदम क्लियर हो गई मेरी, एकदम नहीं एकदम लाइट हो जाती है तुम्हारे आगे, देखो तुम कैसे लाख में होती है लाइट, एकदम फुर्ती मेरा एकदम मेरी प्रोग्रेस भी चालू हो गई मेरी, मतलब पहले तो 5 हज़ार के लिए स्ट्रगल था मेरा पूरे साल का 5 हज़ार, फिर एकदम मेरी इतनी प्रोग्रेस हो गई मेरी, तो हर महीना 5-10 हज़ार कमाने लगा वो टाइम में, फिर तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं मैंने। तो फिर मेरे घर में मेरी सिस्टर मर गई मेरी जगह, तो मेरे मदर को बोला कुछ अच्छा नहीं होने वाला है अपने घर में, बोला वो ऐसा होता होगा कहीं, तो फिर ऐसे मेरी सिस्टर मर गई छोटी सिस्टर वो टाइम में मेरी जगह, मृत्यु हो गई हमारे घर में एक, तो मुझे 90 अक्टूबर में हुआ, मेरी जो सिस्टर है 91 अप्रैल में मर गई, मई में अप्रैल में राजीव गांधी मर गए ना वो दिन,
मई में कूदता है, 12-13 महीने। ठीक है, जो मुझे एनर्जी मिल गई वो जैसे नहीं नया जन्म लेता है बच्चा, ऐसा हो गया था मेरे बॉडी में, मतलब सब नया नया देखे मुझे, एनर्जी भी इतनी आ गई मेरे में और काम विजुअली विजन भी क्लियर हो गया मेरा। पहले कन्फ्यूज रहता था मैं, फिर एकदम क्लियर हो गया मेरा विजन भी, एकदम प्रोग्रेस हो गया मेरा 90 के बाद। नहीं है बोला, और फिर शत्रुघ्न ने हिम्मत दिया मुझे, बोला चिंता मत कर। तो फिर वो टाइम में तिरुपति में एग्जीबिशन था 88 में, बोला तेरा माइंड ऐसा होगा एक काम कर तू मेरे साथ तिरुपति चल, शत्रुघ्न ने बोला। फिर हम तिरुपति गए, वहाँ एग्जीबिशन था, तो यहाँ से कुछ 5 रुपये में दिल्ली सुल्तान के बिलन के सिक्के लिए थे मैंने, वो भी तो बेचा, उसमें नफा मिला। और सब ना 5 मिनट मैंने दर्शन किया तिरुपति में, और मेरे जेब में जितना पैसा था उतना डाल दिया हुंडी में, ऐसे भी मैं तो जीरो पर हूँ। गुस्सा आया मुझे भी भगवान पर भी, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी वही हालत है मेरी। तो जो भी पैसा था 100-200 रुपये 500 रुपये जो भी, वो सब मैंने हुंडी में डाल दिया। और हमको स्पेशल दर्शन कराया तिरुपति में, हमको बैंकर बनाते हैं उसको साइन कराते हैं हमारी, और स्पेशल अंदर लेकर ले जाके दर्शन कराया तिरुपति में हमें। फिर मेरी तरक्की चालू हो गई, तिरुपति की वजह से हुई क्या हुई वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं कमाने लगा फिर। और एक साल में मैं 1,00,000 रुपया कमा लिया वो टाइम में, 90,000 जैसा था मेरे पास। फिर मेरे मदर ने बोला ज़मीन लेना है, वो लेना है, सब लेना है, मतलब 1,00,000 रुपया बहुत बड़ी रकम थी वो टाइम में, और ज़मीन भी हमको 2,00,000 में मिल रही थी। तो फिर ज़मीन में भी इन्वेस्ट किया मैंने, फिर मेरा चालू हो गया प्रगति। फिर मेरा मकान लेने का टाइम आया, तो मकान लेने के टाइम भी मेरा जो पूरा सिक्का था वो बेच दिया मैंने। और जब मकान में एंटर हुआ मेरे, तो मेरे पास 0 सिक्का था, कोई मेरे पास बैलेंस नहीं था। तो पहले ही दिन मुझे उमरसा मिल गया, तो एक जगह मैं गांव खेड़े में गया था, तो वहाँ 2 सिक्के थे, एक दिल्ली सुल्तान का अलाउद्दीन खिलजी का था, और दूसरा था नूरजहाँ का। नूरजहाँ का पहले से मुझे अट्रैक्शन रहता था, एकदम बढ़िया कॉइन आता है वो नूरजहाँ का, तो मुझे वो नूरजहाँ का कॉइन चाहिए था। वो अलाउद्दीन खिलजी तो कॉमन होता है, वो टाइम 135 रुपीज़ रेट था उसका। तो बोला 2 सिक्के का तुम 2,000 रुपया दे दो। तो मैं बोला भाई नूरजहाँ का तो 1,500 आएगा मैक्सिमम, और इसका 125 रुपया, 1,600 रुपये का सिक्के का तुम 2,000 मांग रहे हो तो बहुत महंगा है, बोला। तो फिर उसने ऐसे पलट के वो सिक्का मुझे दिखाया, तो देखा तो पीछे सिहाबुद्दीन उमर लिखा है, मैं पढ़ सकता था वो टाइम 89 में पढ़ना आ गया था मुझे, क्षत्र भी पढ़ सकता था और गुप्ता भी पढ़ सकता था, मतलब मुगल सिक्के भी पढ़ सकता था मैं। तो देखा तो एकदम मैं बोलने लगा उसको, भाई मुझे 2,000 में चलेगा। तो वो बोला नहीं ठीक है 1,500 में तुम ले लो, अभी वापस मत करो, तुम बोल रहे हो 1,500 का ये सिक्का नूरजहाँ का, इसका 100 है तो 100 रुपया नफा मिलेगा ना तुमको। एक्चुअली मैं ऐसा बोलना गया था उसको भी 2,000 में चलेगा मुझे अभी, क्योंकि पीछे देखा नहीं था, पीछे ऐसे एज इट इज़ अलाउद्दीन खिलजी जैसा ही आता साबुद्दीन उमर में। तो जो मेरे मकान की जो कीमत थी मैंने लिया था वो 2,72,000 में लिया था वो टाइम में, तो इतना ही वो सिक्के का मुझे पैसा आया एग्जैक्ट, जितना पैसा था 2,72,300 एग्जैक्ट इतना पैसा आया वो सिक्के का। तो वो भी मिरेकल हो गया मेरी लाइफ, वेरी फर्स्ट डे वो सिक्के का पैसा मिला मुझे। नूरजहाँ का मैंने 1,500 में बेच दिया, ये प्रॉफिट में हो गया सिक्का मेरा, वो बेच के मेरा मकान का कीमत निकल गया मेरा। फिर मेरा वो चालू हो गया कमाने का वो सब में। फिर दूसरी बार जब मैंने मकान लिया तभी भी वही हुआ मेरे साथ, वो मकान का जितना पैसा दिया इतना ही मिल गया मुझे, एक लॉट मिल गया मुझे। तो वो टाइम कोटा एग्जीबिशन था, रणविजय से मेरा सौदा हुआ था, तो एक जगह मैं गया था तो 5-10 लाख रुपये का माल बेचा था उसको। तो मेरा क्या रहता है जनरली आदत, मैं कैलकुलेशन करता रहता हूँ कितना प्रॉफिट मिला, तो 5 लाख रुपये प्रॉफिट जैसा दिखा मुझे, तो मैं बोला ये 5 लाख रुपये मिला है तो उसको इन्वेस्ट कर देवे ना, ऐसे सडनली मिल गया मुझे। तो ऐसे ऐसे नया नया फेसबुक ना वो व्हाट्सएप में सब देख रहा था, फेसबुक में किसी ने सिक्का डाला था ग्रुप में, मुझे इतना वो नहीं मालूम था कि ये ग्रुप वाला है, पूरा इंडिया देख रहा है वो सिक्का, तो इसमें मेरा चांस नहीं लगे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है मेरी जात पर, मैं बोला कोई भी क्यों नहीं देख ले, मेरे पर तो मुझे कॉन्फिडेंस है। तो एक सिक्का मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें, तो देखा तो रणविजय करके था डीलर जो इंडिया का था, उसका था वो पोस्ट। तो मेरा दोस्त था अच्छा, वो उसके घर पे भी मैं ठहरता था, तो उसको फ़ोन किया मैंने से सुबह सुबह, देखा ऑनलाइन है रणविजय, मैं बोला भाई भैया तुमने जो सिक्के डाले हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो बोला वो तो मेरे भतीजे का है, मैं बोला अभी नाटक मत कर दूँ भतीजा ने वो करके, मुझे वो सिक्का लेना है। बोला ठीक है मैं तुझे कल जवाब देता हूँ। फिर मैं वो बार बार वो सिक्का देख रहा था,
फिर उसका 2-3 दिन बाद फ़ोन आया, बोला वो तो 500 सिक्के वो लेना पड़ेगा तुमको, 1000 रुपया रेट है। जनरली क्षत्रप का क्या 200-300 होता है कॉमन क्षत्रप का। मैं देखा तो मैंने फ़ोटो तो भेजो मुझे, तो फोटो भेजा तो 20 सिक्का ऐसा निकला रहे यार अंदर। बोले तो लॉटरी लग गई मेरी, क्योंकि मेरा मकान लिया तब क्षत्रप कलेक्शन बेच के मैंने मकान लिया था दूसरा मकान। तो मैं बोला इसमें तो 20 सिक्के ऐसे, तो लॉटरी लग गई मेरी। तो फिर उसने बोला तुम्हारा सौदा कन्फर्म हो गया है, लेकिन तुम जल्दी आना नहीं फ्लाइट पकड़ के, वो सब मेरी आदत जानता है रणवीर जी, तुम्हारे एक बार सौदा हो गया कन्फर्म हो गया बोला, और पैसे की भी चिंता मत करना तुम, कहीं तुम इंटरेस्ट से पैसा लेके नहीं आना, मेरा पैसा शांति से देना। फिर एक बार उसका फ़ोन आया, बोला कोटा एग्जीबिशन है तुम आ जाओ, खर्चा मैं दूंगा तुम्हारा, होटल का व्यवस्था, मेरे साथ रूम में रहना। तो फिर मेरा जो हमेशा 30 साल से हरीश भाई के साथ में रहता हूँ, तो हरीश भाई का क्या वो पढ़ना नहीं जानते, लेकिन मेरे वर्ड्स पर वो कर लेते। तो मैं बोला कमाई आती है तो भी उसको पीछे थोड़ा छोड़ूंगा मैं। मैंने बोला नहीं ये सिक्के का सौदा हो गया मेरा, वो आएंगे तो बोलेंगे तो पार्टनरशिप तो करनी पड़ेगी मेरी भाई, 50 लाख का नफा है, करोड़ का नफा है, कुछ भी है। तो हरीश भाई बोला नहीं कोटा में कुछ होता नहीं है, नहीं जाना, हम जाके आए पहली बार, लेकिन मुझे तो मेरे काम से जाना था, वो डिलीवरी लेना था। तो कुछ भी समझाया, बोला तू भी मत जा, मुझे तो जाना पड़ेगा। फिर मेरे एक दोस्त है सेल सोनी करके अहमदाबाद में, मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसको तैयार किया, बोला भाई मैं 5 बजे तुमको बोलता हूँ। फिर उसका फ़ोन आया सेल का, चलो मैं आता हूँ। मन में था मेरे भी खर्चा मैं निकालूंगा, सेल उसको बोल नहीं सकते हम, अच्छा नहीं लगे भाई मैं पैसा अफोर्ड कर सकता हूँ, ऐसा समझाए। फिर हम कोटा गए वहाँ, फिर रणवीर जी के रूम में हम बैठे, फिर उसके रूम में स्नान कर लिया हमने, फिर हम हमारे बोले तुम तुम्हारे रूम में जाओ मैं आता हूँ। फिर आया वो सिक्के रखे मेरे पास, अभी मुझे देखना क्या है, वो बोला गिन लो तुम, तुम्हारा माल बराबर है कि नहीं। मुझे तो वो 20 सिक्का देखना था है कि नहीं, वो देख लिया वो 20 सिक्का। रणवीर जी बोला तुमने गिना 500 है, मैं कहा बोला 500 है, एक्चुअली गिना नहीं था मैं, बोला 500 सिक्का नहीं तुम बराबर फिर से गिनो, 485 कॉइन है, 15 कॉइन वो साफ करने में ख़राब हो गया तुम्हारा। फिर देख लिया मैंने, बोला ठीक है। फिर वो सौदा हो गया, अंदर रख दिया, कोटा में कोई काम नहीं था मेरा, यही डिलीवरी लेना था सिक्के का। फिर मेरे से जो मेरा दोस्त था सेल, उसको मालूम पड़ गया, वो भी क्षत्रप का थोड़ा जानता है। तो बोला फिर रणवीर जी ने बोला सिक्का जेब में रख दिया, अभी तुम्हारा माल हो गया, अभी तुमको बेचना है सिक्का, मेरे को 1 लाख रुपया नफा ले लो, 2 लाख रुपया नफा ले लो, अभी मुझे 1 करोड़ नफा दिख रहा है, मैं कहाँ से 1-2 लाख में बेचूंगा उसको, एक सिक्का 5 लाख का गिन रहा हूँ मैं, ऐसे 20 सिक्के हैं। मैं बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं बोला तो बोला नहीं तुम्हारा माल है, तुमको देना नहीं देना तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्रकाश करके है वो गोंडल का है, वो प्रकाश झिंझुवाड़िया करके, वो ये सिक्के के मेरे लिए मेरे पीछे बहुत पड़ा है, बोला तुमको देना है तो उसको दे सकते। मैं बोला मुझे किसी को नहीं देना है, क्षत्रप की लाइन मेरी है, मैं बोला नहीं तुमको देना है तो। लेकिन सेल को मालूम पड़ गया, वो उस पास साथ में था, वहाँ तो कुछ धंधा भी नहीं था, खर्चा भी नहीं निकला था। फिर उसने उसका दोस्त था उसको बुलाया विनोद करके, उसको वो आया अहमदाबाद से, फिर बोला चलो जूस पीते पंड्या जी, वो सब उनको वो सौदा लेना था मेरे से। फिर बोले मेरे जूस क्यों पिलाता है, इतना महंगा है वो है, बोला दूसरा पियो तुम। फिर वो करके बोला हाँ अभी क्या करना है, बोला क्या किस चीज़ का क्या करना है, बोला जो माल डबाया वो, बोला ठीक है माल तो घर जाके देखूंगा मैं क्या है क्या नहीं, बोला 1 लाख 2 लाख में नहीं दे तो 3 लाख नफा ले लो, 4 लाख नफा ले लो, 5 लाख नफा ले लो, लेकिन मैं मेरे मन में जानता हूँ कैसे दूंगा उसको। तो दिया, बोला हमारा ऑफर बहुत अच्छा है, तुम नहीं दे रहे हो बाद में तो तकलीफ भी हो सकती है, वो मतलब जो भी होगा कॉइन क्या है वो मैं देखूंगा पहले, बाद में बेचूंगा, नहीं बाद में तो हम नहीं लेंगे, मैं नहीं लेंगे कोई चिंता नहीं है। फिर दिया नहीं, सेल थोड़ा अपसेट हो गया था, उसका तो कुछ खर्चा भी नहीं निकला। मैं बोला भाई चिंता मत कर, तू तेरा जो है खर्चा तो मुझे ही करना था। फिर हम अहमदाबाद आया वो देखने के लिए सिक्का क्या है क्या नहीं, एकदम क्यूरियोसिटी रहती है ना हमको जानने के लिए। फिर घर जाके देखा तो सिक्का क्षत्रप का है ही नहीं, एकदम पसीना छूट गया ठंडी में मुझे, तो अगस्त का महीना था सितंबर में बारिश का टाइम। तो भाई बोले क्या हुआ, मैं बोला अभी किसको बोल सकते हैं, हम तो हमारा जो कैपिटल था वो गया, अभी तो 5 लाख भी नहीं आएगा ना मेरा जो खर्चा है वो, क्योंकि वो निकला ही नहीं सिक्का क्षत्रप का, और इसमें तो मुझे नॉलेज भी नहीं था त्रैकोटक में। तो फिर मैं बोला डिप्रेस होके कोई मतलब नहीं है, तो त्रैकोटक ब्राह्मी सीखना चालू किया मैंने वो टाइम में, एक आपकी किताब थी दिलीप राजगोर्गी, त्रैकोटक लिखा था, एक ही बुक है और मैं जानता हूँ तब तक, बाद में तो क्या लिखा क्या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन वो टाइम मैं जो जानता था वो दिलीप राजगोर्गी की किताब थी त्रैकोटक की, और जो मेरा दोस्त था उसने मुझे गिफ्ट किया था डॉक्टर पी सी परीख करके था,
उनमें आपका साइन भी आपने पीसी परीख को दिया था वो टाइम में, तो किताब से चालू किया मैंने एक लेवे की तरह, इनडायरेक्ट गुरु हो गए ना आप मेरे, क्योंकि आपकी किताब से ही मैं सीखा ना त्रिकोटक ब्राह्मीण। फिर वो पढ़ते पढ़ते उसमें एक शिला लेख था, वो उसमें सोपना गोखले या कोई नाम भूल गया मैं, उसमें वो प्लेट में नाम था वो राजा का, वो त्रिकोटक में जो सिक्का था मेरे पास उसमें मध्यम सेन या मध्य सेन ऐसा कुछ था उसमें, मतलब ये सिक्का यही है विक्रम सेन का, विक्रम सेन ने समझ। फिर मैंने दो तीन जगह बातचीत किया स्कॉलरों से, तो बोला ये सिक्का 20-25 हज़ार का हो सकता है तुम्हारा, तो 25 दूसरे भी 15-20 सिक्के ऐसे थे, तो बोला 5 लाख तो आ गए मेरे, कैपिटल तो आ गए, मैं अभी चिंता नहीं है। फिर मैंने फर्दर स्टडी किया उसके, वो सिक्के के पीछे क्या है वो तो जानना ही है मुझे। फिर जानते जानते मुझे मालूम पड़ा ये विक्रम सेन का सिक्का, मैं विक्रम सेन समझ रहा था वो टाइम में। तो फिर कोई ऑक्शनर था संजय भी करके, उन्होंने वो सिक्का लिया, बोला मेरे ऑक्शन में डाल दो 4-5 लाख में। पहले तो 2 लाख ही रखा उसने, बाद में मालूम पड़ा तो राजू भट्ट करके दिल्ली वाला है, बोला पंड्या वो सिक्का विक्रम सेन का है। फिर भंडारा से पूछा, भंडारा जी ने बोला नहीं ये तो विक्रम सेन नहीं है, लेकिन सत्यम सेन तो नहीं है वो पक्का है तुम्हारा, बोले नहीं वो भी। बाद में वो सही साबित हुए भंडारे जी, वो सिक्का मध्यम सेन का ही निकला। तो वो सिक्का मेरा 2 लाख में बिका वो टाइम में, मतलब 1 करोड़ का टारगेट था वो टाइम मेरा वो कमाने में सिक्का, तो 40-50 लाख तो आ गया मेरा वो इस सिक्के में। बाकी जो गुप्ता का सिक्का पड़ा था वो मैंने बोला ये क्या है वो जानना पड़ेगा, तो गुप्तन ब्राह्मी भी सीखा मैं बाद में। एक्चुअली मुझे क्षत्रपन ब्राह्मी आती है, वो थोड़ा ब्राह्मी तो ईजी होती है गुप्तकालीन, लेकिन मुझे वो डिफ़िकल्ट लग रही थी, आती नहीं है इसके लिए, तो वो भी चालू किया सीखना। तो उसमें भी 100-200 पीस अच्छे निकले रेयर, 10,000-20,000 वाले, तो मतलब मेरा टारगेट नज़दीक नज़दीक आ गया, तो मकान मेरा फ्री हो गया, दूसरा मकान भी ऐसे ऐसे करके चालू हुआ मेरा स्टोरी। लेकिन क्षत्रप में बहुत डिस्कवरी किया मैंने, इंद्र देव करके ईश्वर देव करके वो जो नया राजा था वो ढूंढा था मैंने करीब। फिर वो बॉम्बे होड़वाड़ा सिक्का है मत्स्यन वाला, पहले टाइम में लाया था 88 में लाया था वो लॉर्डपुरा में। हाँ मैं जो मेहसाणा एरिया में रहता था, जो अहमदाबाद के सराउंडिंग 100 किलोमीटर एरिया है, वहाँ जहांगीर का सिक्का मिलता है, लेकिन जो मेरा एरिया था पाटन से नज़दीक था, मैं जहाँ गाँव में रहता था, मेरी मदर की सर्विस थी, तो मैं क्या हर महीने एक सिक्का बेच के एक जहांगीर का सिक्का हर महीना बेचना है मिनिमम। और मैं वो सिक्का बेच के चेस की टूर्नामेंट खेलता था, क्योंकि एक ही सिक्का था जिसका मुझे पैसा इंस्टेंट कैश होता था, मतलब मैंने जो लग्जरी एंजॉय की किसी ने नहीं की होगी, मतलब जहांगीर का जोड़े कॉइन बेच के चेस टूर्नामेंट खेलने वाला मैं अकेला आदमी होगा। तो एक बार तो क्रिकेट करके था जो बड़ोड़ा वाला हमारा, बोला क्या खेल कर रहा है पन्ने में, बोला मेरा चेस का टूर्नामेंट है, तो कहीं 5-6 हज़ार पोर्ट्रेट कॉइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन लस्टर वाले बड़ोड़ा के रुपये थे, तो बोला मुझे वो कॉइन लेना है, तुम्हारा जो प्राइस है फर्स्ट प्राइस कितना है, मैं बोला 500 रुपया है, तो बोला ले 500 पकड़ में, बोला प्राइस का सवाल नहीं है लेकिन जो नंबर आता है तो हमारे गुजरात का रिप्रेजेंटेटिव करेंगे हमें ऑल इंडिया लेवल पर, बोला वो बात छोड़ कल से तू चालू करना खेलना, बोला अभी प्राइस दे ले, वो सिक्का मुझे दिला। तो जोड़िया कॉइन भी उनको देता था मैं क्रेडिट भाई को, मतलब वो टाइम 500-600 रुपया मिलता था, 125 में लेता था मैं 500-600 में बेचने का। और सलीम नूरजहाँ तो लॉट में आता था हमारे पास 10 रुपया ग्राम 20 रुपया ग्राम हैवी सलीम नूरजहाँ क्वान्टिटी में, आज जो एक एक सिक्के का 20-25 हज़ार ऑक्शन में होता है वो टाइम में 300-400 रुपये में बेचते थे हम एक्स्ट्रा पेन लस्टर वाले। तब तक आपने जोड़ेक्स कितने आपको मिले होंगे इतने 40 सालों में? पहले तो 100 सिक्के बेचे मैंने शुरुआत में तो, फिर जो लास्ट में है 2009-10 में 30 कॉइन बेचा एक साथ मैंने। हाँ उसमें क्या हुआ, एक जगह मैं गया था वडनगर करके टाउन है वो, मतलब बहुत पुराना सिटी है, तो मेरा जो एजेंट रहता है वहाँ, तो एक जगह दुकान में गया मैं, पूछा मैंने तो उसने ऐसे ड्रॉअर में से निकाला तो ट्विंस का सिक्का था, तो बोला क्या, पहले तो मुझे ना बोला सिक्के नहीं बेचना है हमको, तो उसको दिखाने के लिए मैंने दूसरी जगह से सिक्का खरीदा, तो देख रहा था ये आदमी तो खरीद रहा है, तो फिर उसके आदमी को बोला उनको बुलाओ, फिर मैं गया उसके पास, मैं तो समझ ही गया था उसके लिए तो वो किया था मैंने नाटक। तो बोला तुम खरीदते हो ना सिक्का? मैं बोला खरीदते हो। बोला क्या भाव से खरीदोगे? मैं बोला आप बोलो। बोला एक अहमदाबाद से आता है हमारे वहाँ, वो 500 रुपया नंग से ले जा रहा है, और बोला जितना होगा वो सब लेना पड़ेगा आपको। तो मैंने कैलकुलेशन किया, अभी 200 सिक्के हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, तो 200 × 500 1 लाख रुपया हो जाएगा, तो एक सिक्का ही 1 लाख का है, चिंता नहीं है। मैं बोला मतलब अपना जोखिम तो नहीं है कुछ। बोला ठीक है, मैंने दे दो जो जितना इतना सिक्का। तो बाय फॉर्चुनेट मेरे नसीब से 15 सिक्के ही निकले उसमें से, ड्रॉअर में से।
बोला 7,500 दे दो, और 15 सिक्के सब रेयर थे, उसमें सलीम की हाफ रूपी, राम की हाफ रूपी, मतलब सब अच्छे अच्छे सिक्के, नूरजहाँ के सिक्के, जौड़िया का तो था एक सिक्का, बाकी दूसरे भी जो 10-15 सिक्के थे वो भी रेयर थे। फिर मैं बोला भाई आज तो इतना कमाई हो गया मेरा, तो मैं ब्राह्मी हूँ तो थोड़ा संतोष रहता है मुझे भी, इतना बहुत हो गई कमाई आज। तो मेरा क्या होता है जनरली मैं जैन देरासर में खाता हूँ, बाहर जाता हूँ टूर पर, तो मैं और होटल में नहीं खाता हूँ, मैं जैन देरासर में ही जाने का खाने का। वो दिन खाना भी नहीं रुका, तो मेरा कहीं इसका विचार बदल जाएगा भाई, मेरे ब्रदर ना बोला है, मेरा बेटा ना बोला है, मेरा पिताजी ना बोल रहे हैं, तो अपना तो कमाई चला जाएगा। तो सीधा जो मुंबई का बस था वहाँ से उसमें निकल गया मैं, और फिर किसी का फ़ोन भी अटेंड है, वो लैंडलाइन है मेरे घर में, तो मेरी वाइफ बोली तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाते, ऐसा क्या काम करते हो फ़ोन नहीं उठा रहे हो। मेरे मन में वो था कि वो सिक्का वापस नहीं देना पड़े मुझे, वही हुआ जो डर था वही। फ़ोन आया, वाइफ ने सीधा मुझे थमा दिया फ़ोन, बोला बात करो, हमारे घर में क्या सिस्टम होता है ऐसा काम करने का ही नहीं, बोला मतलब तुमको फ़ोन नहीं उठाना पड़े ऐसा काम क्यों करते हो, बोला। फिर फ़ोन उठाया तो जो मेरा एजेंट था उसे बोला तुम मेरे दुकान पर क्यों नहीं आए। मैं समझा कि ये लोगों को नहीं कुछ साठगांठ होगा, मुझे बुला रहे, बोला तुम आओ, और तुम तो हमको 250 रुपया देते हो सिक्के का, वहाँ तो तुमने 500 रुपया दे दिया एक सिक्के का। बोला वो चीज़ अलग है, आपका जो खंडेराव गाय गाँव वाला था बड़ोड़ा के ज़्यादा मिलते हैं वहाँ, बोला तुम समझ। बोला नहीं वही सवा फिगर है जो तुम ले गए ना, ऐसा ही सिक्का है मेरे पास, 10 सिक्के, बोला। मैं बोला कुछ भी करो मैं वहाँ तो नहीं आऊँगा। मैं बोला सारा कुछ छटका होगा, क्या होगा, ट्रैप होगा उसका, चेस का प्लेयर हो तो बस सोचता हूँ मैं। तो मैं बोला भाई वहाँ तो नहीं आऊँगा, अभी 3-4 महीने के बाद आऊँगा, मैं मन में जानता हूँ वो सिक्का वापस नहीं करना पड़े इसके लिए मैं जाता हूँ। तो बोला मैं वहाँ आऊँगा लेकिन मुझे खर्चा देना पड़ेगा, और मुझे 500 नहीं 1,000 रुपया देना पड़ेगा। मैं ठीक है यहाँ आ जाओ, वही सिक्का होगा तो 1,000 भी दूंगा। मैं बोला कहाँ झड़िया वाला होगा, सूर्य वाला होगा, वो आता ना इंदौर का। तो आ गए मेरे घर पे दूसरे दिन, 10 सिक्का रखा मेरे सामने, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन लस्टर, वो झड़िया का था, अभी बोलने का क्या था, 10,000 दिया, 1,000 रुपये खर्चे का दिया उसको, 11,000 में वो ले लिया। वो जो झड़िया लिया था 500 रुपये में पहले, वो मैंने 80-90,000 में बेच दिया किरण भाई करके अहमदाबाद में, मतलब मेरा तो फ्री होगा ऑलमोस्ट। फिर वो 10 सिक्का मेरे कस्टमर को फ़ोन किया मैंने, मैंने ऐसा ऐसा सिक्का, बोला कितना, मैं बोला अभी तो देखना है क्या नहीं, मैं तो 25,00,000 मांगूंगा तो आप थोड़ी दे दोगे, उसमें स्टैंडिंग बुल भी था, स्ट्रक फ्रॉम गोल्ड मोड डाई। बोला ठीक है, बोला डन हो गया 25,00,000, 25,00,000 में। बोला माल तो देखा नहीं तुमने क्या है, बोला तुमने जोड़िया बहुत हैंडल किया तुमको मालूम है, बोला। तो मैं बोला 25,00,000 डन किया लेकिन 25,00,000 कहाँ है मेरे पास, बोलने से थोड़ी हो जाएगा। बोला तुम्हारा आंगड़िया से भेज देते पैसा, तो पैसा भी भेज दे, अभी मुझे चिंता हो रही है, उसको डिलीवरी दे दो जल्दी में। मीनवाइल जो मेरा एक दोस्त था उसके पास, उसके पहले गोल्ड का जोड़ियक भी आया था, उसके पहले तो वो गोल्ड जोड़ियक भी आया था मेरे पास वो टाइम में, और ये चांदी वाला आया। अभी मेरे पास 25,00,000 रुपया आ गया, तो मैं बोला कुछ करते हैं, तो एक जगह कोई रानी का डॉट वाला रुपया, वो टाइम ब्रिटिश बहुत चलता था, पहले मेरा ब्रिटिश का भी कलेक्शन था, क्योंकि मैं एक अकेला डीलर ऐसा हूँ जिसको ब्रिटिश का भी नॉलेज है, इंडिया रिबल भी का भी कलेक्शन था मेरा, नेटिव स्ट्रीट का भी कलेक्शन था मेरा, मुगल का भी, स्टेट क्षत्रप का भी, गुप्ता का भी कलेक्शन, वल्बी का भी कलेक्शन, त्रिकोटक का भी कलेक्शन। तो फिर मैं बोला चलो जाते हैं, वो टाइम में मेरे पास पीरमोरे की बुक थी, उसकी आती है ना ब्रिटिश की स्पेशलाइज बुक, वो टाइम कोई नहीं कोई रखता नहीं था, 85 की बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं गया तो पूरा कोठी भर के वो रुपया था रानी का, और गाड़ी लेके मैं गया था 25,00,000 रुपया लेके, वो बोला 400 रुपया, हरीश भाई को पूछा तो बोला 465 में मैं ले लूँगा, तो 65 रुपया मिला है मुझे एक नंग में, तो 5,000 नंग था, तो अच्छा ना प्रॉफिट मिल जाएगा ना मुझे। तो फिर उन्होंने कुछ झगड़ा हो गया घर में, वो जॉइंट फैमिली था, तो बोला भाई हमारे घर में झगड़ा हो गया है, अभी मैं कर भी क्या सकता हूँ, नहीं तो झगड़ा करूँगा तो मेरा 25,00,000 भी चला जाएगा। मैं बोला अभी भाई स्टेप भरो, अपना पैसा तो ले लो वापस, पैसा ले लिया। फिर मैंने बोला ये अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, तुमने यहाँ तक बुलाया 25,00,000 रुपया लेके, तो बोला क्या करना है, मेरे जान लेना है। बोला नहीं जान नहीं, खर्चा हो गया। बोला खर्चा ले लो, तुम्हारा 3,000 खर्चा है और क्या है खर्चा, ना खर्चे की बात नहीं, खर्चा लेने के लिए थोड़ी मैं आया हूँ, तो क्या करना है। बोला फिर 100 सिक्का लिया मैंने छाट के अंदर से, जो विलियम का वो दूसरा डॉट वाला वो सब, तो भी मैक्सिमम कितना मिलेगा मुझे 50,00,000 रुपया। फिर सूरत गया वहाँ से मैं, वहाँ भी कुछ सिक्का लिया, मैलापुर का वो सब मिला, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं था वो टाइम में। मतलब साला 25,00,000 रुपया लेके कुछ हुआ नहीं काम, 5,00,000 तो कमाना चाहिए, 25,00,000 लेके गए। फिर जो मेरे बने थे बोला तुम एक काम करो, एक खाली पैसा इधर उधर कर दोगे, चांदी ले लो। बोला तो 100 किलो चांदी ले, मैं लेके क्या करूँगा इतना।
तो बोला आधा मैं दूंगा तुमको पैसा। तो वो टाइम में चांदी का दाम 25,80,000 था, 100 किलो का, किलो का 25,800 वही था, 25,800 था। फिर मैंने फ़ोन किया, एक आध महीना गया, मैं बोला वो पैसा आपको देने वाले। बोला नहीं, तेरे को हिम्मत कराने के लिए बोला मैं, मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है तेरे जैसा, तुमने तो 10,000 का 25 लाख बनाया है, नहीं तो तुमको ही लेना है। फिर 2-3 महीने में इतनी तेज़ी आ गई तो 75 तक पहुँच गई चांदी। तो फ़ोन आया वो चौकसी का, बोला क्या करना है चांदी का। तो मुझे लगा कि अभी 1 लाख हो गया, लेकिन मैं बोला अभी संतोष करो, अपना तो फ्री में आ गया पैसा, 10,000 का 73 लाख हो रहा है, मतलब बेचो जल्दी। तो थोड़ा डिसीजन में वो 2,000 कम हो गया रियल, तो 73 लाख था आ गया मेरे पास। वो टाइम में भी चांस मिला मुझे। वो ब्राह्मी में ऐसा हुआ, एक बार किरीट भी और सुभाष मीरानी मेरे पास आए, मेरी होटल में रहता था वहाँ। बोला ये कुछ अलग राजा है, टोपी उसकी अलग है, एरहर सिक्का है। तो मैंने ले लिया वो, बाद में मालूम पड़ा ये सिक्का तो कॉमन ही है, खाली वो चांदी ब्लर हो गई उसकी। फिर मुझे गुस्सा आया मेरी जात पर, मैं बोला ब्राह्मी सीखना चाहिए ना, किसी को दोष देने से पहले अपनी जात पर गुस्सा आता था मुझे, दूसरे को ब्लेम मत करो, पहले अपना ठीक करो। तो फिर मैंने सीखना चालू किया ब्राह्मी। तो टाइम में डॉक्टर PC परिक का किताब आता था ब्राह्मी का, लिपि विकास करके, तो पढ़ा। और फिर मैं उनको पर्सनली भी कॉन्टेक्ट किया, उनका जो भांजा था वो मेरा दोस्त था, तो ले गया मुझे भोजे इंस्टीट्यूट है वहाँ। फिर उन्होंने भी थोड़ा मुझे गाइड किया। वो टाइम में केका शास्त्री और वो सब साथ में बैठते थे, तो कोई केका शास्त्री ने ऑब्जेक्शन उठाया भी इसको क्यों बिठाते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी पार्टी थी, वो बड़ी हस्ती थी केका शास्त्री वो टाइम में। फिर परीक्षा ने बोला ये भी नॉलेजेबल पर्सन है, ऐसा है तुम बात करो। फिर तो हमारा ग्रुप हो गया, तो फिर वो मुझे बुलाने लगे केका शास्त्री भी, बैठने दो। तो ऐसा ऐसा करके मैं ब्राह्मी सीख लिया मैंने वो टाइम में। और उर्दू में ऐसा हुआ, एक बार एक जगह कुफिक कॉइन थे, तो मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ, अरेबिक में होता है कुफिक कॉइन, तो मैंने सुभाष मीरानी को बुलाया। तो बोला ये इसमें तो कुछ है नहीं, ये नहीं है, ऐसा करके वो हम निकल गए, क्योंकि मैं तो पढ़ नहीं सकता था। फिर बाद में मालूम पड़ा कि सुभाष मीरानी वहाँ से ले गया वो सिक्का। तो मैं बॉम्बे गया, फिर तो ऐसे बैठे TV देख रहा था वो शांति से, मतलब ऐसा सिक्का ले जाएगा तो आराम ही है ना उसको, तो मुझे तो ना बोलता है नहीं लिया है। मैं गुस्सा हो गया सुभाष पर, बोला ऐसा क्यों किया तुमने, मुझे ले गए फिर सिक्का ले गए अकेले जाके। तो बोला तुमको पढ़ना नहीं आता, मैं क्या करूँ। फिर मैंने पढ़ना वो टाइम से चालू किया, तो जामिया मिलिया नहीं यूनिवर्सिटी की उर्दू आती है, उर्दू की किताब वहाँ सीखा। फिर जो बोर्ड आता है पिक्चर में, पहले उर्दू में आता था लिखा हुआ टाइटल आता है जो हिंदी पिक्चर का, तो मैं पढ़ना चालू किया, तो ऐसा उर्दू आ गया मुझे। तो डिटेक्टिव किताब भी मैं उर्दू में पढ़ता था वो टाइम में, अभी नहीं आता है मुझे इतना पढ़ना, कॉन्स्टेंट मेरा प्रैक्टिस हो गया था वो टाइम में। और मैं जो हाथ में कलमा की मीठी पहनता था, वाइट कपड़ा पहनता था पहले, तो सब लोग मुझे मुसलमान ही समझ रहे थे, क्योंकि किताब भी मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ। तो वो टाइम तो कॉम्यूनल रायट बस होते थे। तो एक बार मैं कड़ी जा रहा, कड़ी भी पुराना सिटी है, वहाँ सब सिक्के मिलते हैं, तो वहाँ कुछ रायट हुआ, तो बोला तुम हमारा आदमी हो, तुम आ जाओ हमारे मोहल्ले में। बोला मैं बोला भाई नहीं, मैं तो ब्राह्मीन हूँ। अरे हो सकता है, बोला तुम तो कलमा की मीठी पहनते हो, उर्दू किताब पढ़ते हो, इतना नॉलेज है, कलमा का मीनिंग समझा रहे हो तुम। बोले तुम कौन सा तुम वो पढ़ाते हो, तो मानने को तैयार नहीं। मैं बोला सच्ची में मैं ब्राह्मीन हूँ, मैं बोला। तो उर्दू सीखना मुझे आ गया वो टाइम में। फिर उर्दू से आगे फिर मैंने पर्शियन चालू किया, तो पर्शियन की तो किताब मेरे घर में ही थी, मतलब उर्दू में जो अल्फ़ाबेट होते, पर्शियन में 35 अल्फ़ाबेट है, अरेबिक में 28 है। तो उर्दू में जो ढ है ना, 7 जो अल्फा ज़्यादा वो बढ़ गया, 42 है उर्दू में। तो पर्शियन भी मैं सीख लिया, मेरे फादर का किताब था, मेरे फादर को आता था पर्शियन वो टाइम में, तो वो किताब देखे चालू किया मैंने। क्योंकि उर्दू आता है तो पर्शियन थोड़ा ईजी हो जाता है, फिर थोड़ा अरेबिक मुझे डिफ़िकल्ट पड़ा वो टाइम में, लेकिन अरेबिक भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया मैंने, मतलब राजा का नाम वो सब, डेट बेट तो डेट तो ईजी होता है, जो वर्ड्स में डेट आता है वो पढ़ना नहीं आता है मुझे अभी तक। तो अरेबिक सीखने की वजह से उम्र सा मिला मुझे, उम्र बढ़ गई उससे आपकी। अगर आपने कॉइनस्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।